Good morning, students. How are you all? Students, today we will start chapter 11 of EVS. Its name is our festivals. Please repeat with me, our festivals. What does this mean? It means hamare tyohar. Festivals means त्योहार. ओके, फेस्टिवल्स तो हम लोग सब समझते हैं ना, दीपावली, होली, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, है ना, ईद, रक्षाबंधन, दीज ऑल आर फेस्टिवल्स. स्टूडेंट्स, आज हम फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे. और इंडिया इज़ अ प्लेस वेयर वी सेलिब्रेट टू मैनी फेस्टिवल्स. हमारा इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बहुत फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. बाकी किसी देश में इतने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं होते जितने हमारे इंडिया में होते हैं, है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. वी लव टू सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट. बोले इम्पोर्टेंट important days with our family and friends. सबसे पहली चीज़, हम अपने festivals किसके साथ celebrate यानी कि किसके साथ अपने त्यौहार मनाते हैं, मनाना किसके साथ मनाते हैं अपने festivals को, हमारे family यानी कि हमारा परिवार और friends यानी कि दोस्तों के साथ, है ना. They are known as फेस्टिवल्स. वो इम्पॉर्टेंट डेज जो हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स कहते हैं. वी ईट स्पेशल फूड ऑन दीज डेज. बेटा आप लोग सब जानते हैं हर फेस्टिवल पे मम्मी अलग अलग स्पेशल चीज़ बनाती हैं. जैसे दीपावली पे हमारे यहाँ नमकीन और मीठा बहुत ज़्यादा बनता है, होली पर गुजिया बनती हैं, है ना. ऐसे हर त्यौहार पर अलग अलग डिशेस स्पेशली उस त्यौहार पर ही मनाई जाती हैं. वे हर त्यौहार पर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं. वी वेयर न्यू क्लोथ्स. और ऑलमोस्ट हर त्यौहार पर हम क्या करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. अच्छा एक त्यौहार बताइए, एक फेस्टिवल जिस पर हम ओल्ड क्लोथ्स पहनते हैं, बताइए. यस, होली. क्यों? क्योंकि वो तो कलर्स का त्यौहार है, उसमें हम कलर्स से खेलेंगे तो हमारे न्यू क्लोथ्स क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे. इसलिए हम होली पर कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, पुराने क्लोथ्स पहनते हैं, ओल्ड क्लोथ्स. ओके, वी क्लीन एंड डेकोरेट. बोलो डेकोरेट. डेकोरेट आर होम्स. डेकोरेट यानी कि सजाना. और हम क्या करते हैं फेस्टिवल्स में, अपने घर को क्लीन करते हैं और सजाते हैं, है ना. दीपावली पे सब लोग अपने घर की पूरी सफाई करते हैं, पूरी क्लीनिंग करते हैं, फिर उसमें लाइट्स लगाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लगा के हम अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं ना. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. सम इम्पॉर्टेंट डेज आर celebrated all over the country. Look at the pictures and write their date. अब कुछ festivals तो बेटा ऐसे होते हैं जो एक particular region में ही मनाए जाते हैं, पर कुछ festivals India में हर जगह मनाए जाते हैं. इनमें से कुछ ये 3 festivals यहाँ पर लिखे हुए हैं. इन festivals को पहली चीज़ तो हम क्या कहते हैं, national festivals. क्या कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स. इनका किसी भगवान या धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं, सिर्फ हमारे नेशन के हैं. और चूंकि हमारे नेशन के हैं तो हमारा पूरा नेशन इनको बनाता है. फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस डे. बोलो इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे, जो गंदे गंदे ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे भारत को, उनसे हमें आज़ादी कब मिली थी, 15th
अगस्त, कब मिली थी? 15 अगस्त। ओके, तो इस दिन हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी 15 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था ना। नेक्स्ट वन इज़ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January, बोलते ना 26 जनवरी को। यस, देन गांधी जयंती, बोलिए गांधी जयंती। गांधी जयंती यानी कि हमारे फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन है ना, इनको हम फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं ना, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी है ना। इनका बर्थडे कब आता है? आता है 2nd अक्टूबर। ओके, 2nd अक्टूबर या 2 अक्टूबर भी हम इसको कहते हैं। ओके, 2 अक्टूबर, ठीक है। तो ये तीन हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। देखो, दीज फेस्टिवल्स आर नॉन एज नेशनल फेस्टिवल्स। हम इनको कौन से फेस्टिवल्स बोलते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखें, देखो कितने सारे फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, ये देखते हैं हम। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। अब कई ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में ही मनाए जाते हैं, वो हर जगह नहीं मनाए जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट वन इज़ लोहरी। लोहरी कहाँ मनाते हैं? पंजाब, ठीक है, पंजाब में। सेकेंड वन होली। होली अब हमारे ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है, बट जो फेमस है वो कहाँ की है? ब्रज की। ब्रज की होली फेमस है। देन ओनम। ओनम कहाँ मनाते हैं? केरला। ओके, देन बिहू। बिहू, बिहू कहाँ मनाते हैं? बिहू असम। देन छठ। छठ पूजा सबसे ज़्यादा कहीं मनाई जाती है, तो दैट इज़ बिहार। देन क्रिसमस। क्रिसमस वैसे तो क्रिश्चियंस का त्यौहार है, पर गोवा का सबसे फेमस त्यौहार है। देन गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ऑल ओवर इंडिया मनाई जाती है, बट इट इज़ मोस्टली फेमस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा धूमधाम से, जितने धूमधाम से कहीं नहीं बनता, वो महाराष्ट्र में बनता है। देन रक्षाबंधन, ऑल ओवर इंडिया सारे भाई बहन इसको मनाते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं बनता। देन पोंगल। पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। ओके, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। दीज आर फ्यू सेलिब्रेशंस दैट आर डन इन अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली, है ना, एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली। इनके लिए कोई स्पेशल, मतलब जो स्टेट या जो प्लेस इनके लिए फिक्स है, ये वहाँ सबसे ज़्यादा और जगह मनाते हैं। जो यहाँ के लोग, जैसे पंजाब के लोग जो राजस्थान में रहते हैं, वो यहाँ पर भी लोहरी मनाते हैं, है ना, और जो आसाम के लोग पंजाब में रहते हैं, वो वहाँ पर बिहू मना लेते हैं। बट ये इन्हीं स्पेशल जगहों पर बनाया जाता है। नाउ दिवाली। दिवाली हमारा फेवरेट त्यौहार। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हम इसको कौन सा फेस्टिवल कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्यों कहते हैं इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? इसमें हम पूरे घर में छोटे छोटे लैंप्स लगाते हैं, लैंप्स दिए लगाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, और लाइट्स भी लगाते हैं घरों में, और क्रैकर्स चलाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्रैकर्स हमको नहीं चलाने चाहिए। व्हाई? बिकॉज क्रैकर्स से बहुत एयर पॉल्यूशन भी होता है और हमको चोट भी लग सकती है। ओके, पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ दियाज एंड कैंडल्स। देखिए, हम होम्स में क्या लगाते हैं? दिया और कैंडल लगाते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स, और दिवाली के दिन सब लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और गॉडेस लक्ष्मी यानी कि
माँ लक्ष्मी की हम इस दिन क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। देन गुरु पर्व, गुरु पर्व सिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। किसका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये, सिक्स का। जैसे हिंदूज़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेस्टिवल इम्पोर्टेंट होता है तो वो दिवाली होता है, वैसे सिख जो कम्युनिटी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, गुरु पर्व। अब ये गुरु पर्व कब मनाया जाता है, गुरु पर्व ये एक नहीं है, ये 10 गुरु पर्व आते हैं इनके। कितने, 10 अलग अलग इनके जो गुरुज हुए हैं, 10 मेन गुरु हैं जो इनके 10, उनके बर्थडेज पर ये गुरु पर्व मनाते हैं। गुरु पर्व्स आर सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडेज ऑफ द 10 सिख गुरुज। पीपल ऑफर प्रेयर्स एट गुरुद्वारास, और इस दिन क्या करते हैं, सारे सिख लोग गुरुद्वारा में जाके प्रेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ईद। इसको हम क्या कहते हैं, ईद। मुस्लिम्स फास्ट फॉर 30 डेज। मुस्लिम्स जो होते हैं, मोमडन समुदाय के लोग, वो क्या करते हैं, 30 डेज, एक उनका महीना आता है रमज़ान। बेटा यहाँ पर आप लोगों के बुक में रमज़ान की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आप इसको मेरी बुक से देख के करेक्ट कर लीजिए, RAMAZAN। ओके, इट्स नॉट रमदान, इट इज़ रमज़ान। ओके, रमज़ान कितने कौन सा मंथ होता है इनका, एक मंथ होता है, अभी होकर गया है रमज़ान, रक्षाबंधन के आसपास होता है, उस टाइम पे ये 30 डेज क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। ओके, उसके बाद दे गो टू मॉस्क, वो मस्जिद में जाते हैं, प्रे करते हैं, और उस दिन को जिस दिन इनके 30 डेज ख़त्म होते हैं उसको ये लोग क्या कहते हैं, ईद कहते हैं। दे ईट अ स्पेशल स्वीट सेवई, हम लोग सेवई की खीर खाते हैं ना, वो इनके स्पेशली किस दिन बनती है, ईद के दिन बनती है। देन क्रिसमस, क्रिसमस किसके बर्थडे पे किया जाता है, क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये क्रिश्चियंस में जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग जिनको भगवान मानते हैं, जीसस क्राइस्ट जी को, इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस। उसके बर्थडे को कौन सा डे मनाया जाता है, क्रिसमस ऑन 25th December। और ये कब मनाया जाता है क्रिसमस, सेंटा क्लॉज कब आता है, 25th December को। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे, उस दिन सारे क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं, प्रे करते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, और सेंटा क्लॉज क्या करता है, बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो गया है, पर कुछ एक्टिविटी है वो हमको समझनी है। ओके, फर्स्ट वन इज़ राखी मेकिंग। देखिए उसमें क्या किया है, एक थिक थ्रेड लेना है, टेक अ थिक थ्रेड, एक मोटा धागा, स्टिक अ राउंड पीस ऑफ कलर्ड पेपर, उसके ऊपर एक कलर्ड पेपर को स्टिक करना है। पुट क्लोथ ऑफ सेम साइज ऑन इट, उसके बाद उसके ऊपर क्या रखना है, क्लोथ रखना है। डेकोरेट इट विथ कलर्ड बीड्स, स्क्विंस और गोल्डन स्टार्स, और इसको फिर अच्छी झिलमिल चीज़ों से, बीड्स, स्क्विंस, गोल्डन स्टार्स से इसको सजाना है। और देखिए हमारी क्या बन गई, राखी बन गई, और वो राखी आपको यहाँ पेस्ट करनी है अपनी बुक में। ओके, नेक्स्ट इज देखिए रंगोली। ऑन मैनी फेस्टिवल्स ब्यूटिफुल डिज़ाइंस आर मेड ऑन द फ्लोर, दिस इज़ नोन एज रंगोली। जो डिज़ाइन हम फ्लोर पे बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रंगोली, है ना। वुमेन डेकोरेट देम, जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं वो इसको बनाती हैं, किस किस से, विथ कलर, कलर्स होते हैं, चॉक पाउडर होता है, पल्सेस, कुछ लोग इसमें पल्सेस का भी यूज़ करते हैं, राइस पाउडर का भी, फ्लावर्स एक्सेट्रा, किसी से भी हम क्या बना सकते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर रंगोली। दिवाली पे बनाती है ना मम्मी, हाँ तो वो बनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस नेम सम अदर इम्पॉर्टेंट डेज दैट वी सेलिब्रेट। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज देखें, देखिए चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, हमारा बर्थडे, और फिर और क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, है ना, मैरिज एनिवर्सरी, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना। देन और क्या सेलिब्रेट करते हैं हम,
और भी कुछ एक आध ये आपको भरना है अपने आप से, कोई भी आप अपना फैमिली में गेट टुगेदर करते हैं किसी स्पेशल डे पर, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फैमिली गेट टुगेदर्स बिकम मोर फन इफ़ वी प्ले सम गेम्स, और उस दिन अगर हम लोग गेम्स खेलते हैं तो और मज़ा आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। टुमारो आई विल सेंड दिस एक्सरसाइज टू यू। ओके, टिल देन बाय बाय।